थई आंखे होठ गुलाबी, लड़कियों के पास में देखिएगा कि एक तो तेरी स्माइल गजब है, एक तो तेरी स्माइल गजब है, बोलने का स्टाइल गजब है, गोरे हाथ में पिंक कवर में लगता तेरा मोबाइल गजब है, ये गोरे हाथ। लड़के कितना भी महंगा मोबाइल रख ले मगर जो पिंक कवर के पीछे पतली सी दो उंगलियां लगी होती वो खूबसूरती अलग होती है। दूसरे हाथ में छोटी सी एक पर्स लगे है कमाल, मेरा चैन चुराते हैं उसके घुंघराले बाल। और एक अंतरा देखिए, जो हॉस्टल में लड़के रहते हैं उनका देखिएगा कि कैसे क्या कैसे सरवाइव करते हैं कि कैंटीन के वो चाय समोसे करते हैं लड़के जिनके पैसे, बाद में बैठे सोच रहे अब गुजरे ये महीना कैसे, घर से पैसे आने से पहले बन बैठे कंगाल, मेरा चैन चुराते हैं उसके घुंघराले बाल, मेरा चैन चुराते हैं उसके घुंघराले बाल। एक अंतरा बस खत्म कर रहा हूँ, देखिएगा कि आजकल के लड़कों की फीलिंग क्या होती है कि किसी तरीके से नंबर मिल जाए, बस देखिएगा कैसे कि एक मौका जो अगर मिल जाए, एक मौका जो अगर मिल जाए, धरती से अंबर मिल जाए, एक मौका जो अगर मिल जाए, धरती से अंबर मिल जाए, अब दिन रात तो यही फिक्र है कैसे तेरा नंबर मिल जाए, फैजी भी ये सोच रहा है, फैजी भी ये सोच रहा है कैसे गले की दाल, मेरा चैन चुराते हैं उसके घुंघराले बाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम का निवेदन करता है प्रेमिका से कि तनखा अकाउंट किया है कि नैनों ने, तनखा अकाउंट किया है कि नैनों ने, वाह, तनखा अकाउंट किया है कि नैनों ने, दिल का आधार लिंक दिल से कराओ ना, अमन की मेमोरी में किया है रूप सेव तेरा, इसे स्वीकारने को ऑनलाइन आओ ना, कि प्रेम का प्रपोजल किया है सेंड प्राण प्रिय, इसे स्वीकारने को ऑनलाइन आओ ना, रिक्वेस्ट मेरा एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो, जान लेवा फोटो प्रोफाइल पे लगाओ ना, प्रोफाइल पे लगाओ। प्रेमिका मानती नहीं, नहीं नहीं, जान लेवा फोटो और स्टेटस भी ऐसे लगाती है, प्रेमिका मानती नहीं। अरे पूछो, मैंने कहा स्टेटस पढ़ा, जिसके बैठने से सोफा 8 इंच अंदर जाता हो उसने स्टेटस लिखा था, मुझे पलकों पे उठा लो सजना। सर में सर प्रेमिकाएं दो तरह की होती है। अच्छा, एक ही मिल जाए इधर तो। एक वो होती है जिनके मुंह में हल्का सा मेकअप होता है, और एक वो होती है जिनके मेकअप में हल्का सा मुंह होता है। अब वो कितना मना रहा है, प्रेमिका मान नहीं रही है। प्रेमी निवेदन करता है कि बोलने में नाही, साथ चलने में नाही, जाने कैसे प्रेम का भी तान तानती हो तू, हाय हाय क्या बात है, कि बोलने में नाही, साथ चलने में नाही, जाने कैसे प्रेम का भी तान तानती हो तुम, और चूक पर नाही, नोटबुक पर नाही, हर लूक पर नाही की ही रार ठानती हो तुम, हर लूक पर नाही की ही रार ठानती हो तुम, डेट पर नाही, चेट पर नाही, और मैसेज मनाने की मना ही मानती हो तुम, जाने किस कॉन्वेंट में करी हो पढ़ाई तुम, नाही 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 बस।
बस नहीं जानती हो तुम, बस नहीं जानती हो तुम। क्या बात, शिकायत जायज है। उसे पूरा विश्वास होता है कि ये आएगी नहीं, गुस्से में आके कहता है किसी का प्यार हो कोई कर्ज या उधार थोड़ी हो, अभी तक मिल न पाई हो कोई रोजगार थोड़ी हो, भरोसा क्या है कि 24 में तुम आ ही जाओगी, किसी की प्रेमिका हो तुम कोई सरकार थोड़ी हो। सर, शहर के प्रेमी और गांव के प्रेमी में अंतर होता है। दोनों के अंतर का एक्शन सुनिए। सुनाइए। कि शहर के प्रेमी अति आधुनिक प्रेमिका से प्यार जो किए तो जिंदगी संवार लेते हैं, दिल के एयरपोर्ट पर कभी कल्पना में एरोप्लेन वाली प्रेमिका उतार लेते हैं। गांव वाले प्रेमी बड़े होते हैं निराले, वो तो खेत खलिहान में डीपी निहार लेते हैं, ऑनलाइन प्रेमिका की चुपचाप चुम्मा लेके एक क्षण में ही सदिया गुजार लेते हैं। हमने प्रेम के दो रूप देखे, एक जिनको उस उम्र की सैंडल अभी तक याद है, एक ये जो ऑनलाइन चुपके से ही चुम्मे लेके सदियां गुजार देते हैं। तो प्रेम है, ये तो किसी भी दृष्टि से हो सकता है और सृष्टि में कहीं भी हो सकता है, और प्रेम जरूरी नहीं है कि प्राप्त हो, प्रेम करना आपके हाथ में है, प्रेम प्राप्य है ये आवश्यकता ये, और ये आवश्यक नहीं है। प्रेम कीजिए, जुनूनी मत बनिए, प्रेम कीजिए, हक मत जताइए, प्रेम कीजिए, टोकिए मत, प्रेम कीजिए, रोकिए मत।